आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। कपकोट में आयोजित बैठक में संगठन की मजबूती पर विचार किया गया। आप पार्टी ने भाजपा व कांग्रेस पर जन समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पेश है कपकोट से तनुज तिरुवग रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की कपकोट इकाई ने बैठक करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस विफल हो गई हैं तथा जनता की उम्मीदें अब आम आदमी पार्टी पर टिक गई हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। इस मौके पर कुमाऊं सह प्रभारी जितेंद्र फुलारा, आनंद कपकोटी, विनोद जोशी आदि कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारें पूरी तरह विफल हो गई हैं। सरकारों को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। धन भैया से इस क्षेत्र के लिए हमेशा संघर्ष करते रहा। मैं आज तक कोई पार्टी में नहीं रहा और मैं 2000 सन में भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ चुनाव लड़ा। चिस्टल का पैसा लूटा गया था हमारा। एमडी पाठर और भगत सिंह कोश्यारी द्वारा 2 साल में दुगना होगा, उसमें भी हमने आंदोलन चलाया। उस समय बच्चे सिंह रावत की सरकार थी, नारायण रामदास विधायक थे जो स्वर्गीय हो चुके हैं, और बच्चे भौरियाल जी उस समय चमचे थे। इन्होंने कहा 2 नंबर का पैसा है, नहीं मिलेगा। जब हमने इनकी रैली रुकाई थी तो फिर 2012 में भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। बलवंत सिंह भूरियाल जी का यह भी उस समय चुनाव में उतर गए थे। मैंने कहा भूरियाल जी आपको एक वोट नहीं मिली दानपुर से, जो आपने कहा कि दानपुर का 2 नंबर का पैसा। उस समय बलवंत सिंह जी हार गए, फिर ललित फरसवान जी गरुड़ से आए, ये जीत गए। तो यहाँ पर इन्होंने भी क्या कहा, इसके बाद यहाँ पर हमारा यह जंगल था, नगर बनाया गया। मैं फूल लेके चल रहा था, मैंने कहा नगर निर्माण सबसे प्रस्ताव बनाया गया। और तो इन्होंने, मैंने ललित फरसवान जी कहा यहाँ पर रैली कैसे निकाली गई आपने, यह जगन को नगर बना रहे हो, मैं यहाँ पर फूल लेके चल रहा हूँ, नगर नहीं बनेगा। तो उनसे कहा, क्या कहा कि यह जो है भाजपा ने बनाया। अरे भैया भाजपा ने बनाया तो जनप्रतिनिधि बनाते आप जैसे मैं चल रहा फूल लेके, नगर नहीं बनेगा, तुम जनता की रैली निकालते। तो इस तरह से मैंने फरसवान जी से कहा, और फिर परके साल भी बोला, तो मैंने कहा तुम्हारा भी संहार हुआ जैसे भगत सिंह का संहार हुआ। और यहाँ जो है आज तो कांग्रेस और भाजपा वोट देने थे लेने तक सीमित रहे, हमें यहाँ बोलते रहे, असहाय पीड़ित को यहाँ पर गुमराह किया गया, और जनता को जो परेशानी होती तो वहाँ आगे नहीं आते हैं। आज हमारा इस क्षेत्र को खंडहर बना दिया है, और यहाँ लूट खसोट हो रहा, हमारे घरों का किराया लिया जा रहा है, रोड खंडहर बन चुके हैं, नगर कहा गया है। जैसे जंगल को नगर नगर बनाया वैसे रोड भी जंगल बना दिए हैं, कोई नाले नहीं कुछ नहीं है। और तो मेरे क्षेत्रवासियों, मैं इस क्षेत्र के लिए हमेशा आवाज उठाते रहा, तो आज कांग्रेस और भाजपा के चुंगल में सब फंसे रहे। तो आज हम उनके 2-4 रुपये में भी कि आज किसी ने कहा कि मोदी अच्छा 500 रुपया, अरे 500 रुपया तो मैं गरीब को दे रहा हूँ, तुम वहाँ 100 गुना 5 गुना महंगाई की मार है। कांग्रेस के कार्यकाल में 90 रुपये प्याज हुआ था, इन्होंने हल्ला बोल किया तो कांग्रेस का साफ हुआ, अब इनका हल्ला बोल बोलने के हम जनता आगे आए हैं। हम जनता बड़ी है, कई बार हमें परेशानी होती है, हम जनता एक रहेंगे। देखिए आज यहाँ कपकोट में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बैठक हुई है, और इसमें आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज शामिल होकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, दिल्ली सरकार के जो विकास के कार्य हुए हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और जल्द ही आप देखेंगे कि कपकोट विधानसभा में आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो लोगों तक पहुँचेगा, और जो लोगों की समस्याएँ हैं उनको हम लोग उठाकर सरकार तक पहुंचाने का अपना प्रयास करेंगे। जो काम वास्तविकता में विपक्षी दलों को करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो सांठगांठ की सरकार है, अब वो भूमिका में हम लोग अपना जो रोल है वो पूरा करेंगे। लोगों की समस्याओं को हमारे कार्यकर्ता यहाँ से उठाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए जन आंदोलन भी चलाएंगे। उसी के लिए आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, और सारे कार्यकर्ताओं ने आज ये संकल्प किया है कि इस आने वाले अब जो 1.25 साल बचा हुआ है,
संगठन को मजबूती देते हुए हम हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे। आज का जो कार्यक्रम था वो सदस्यता अभियान के तहत नहीं था, जल्दी सदस्यता अभियान के लिए भी कपकोट में कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें आपको आमंत्रित किया जाएगा। आज सिर्फ कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी जिसमें कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में किस तरह के पार्टी के कार्यों को नीतियों को लोगों तक पहुँचाना है उसके बारे में बात की गई।